नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सिटीज को, और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मनोज तिवारी जो कि दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली भाजपा के सांसद हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दिल्ली में, वो आज बिहार दौरे पे हैं। बिहार में मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो दिल्ली की सियासत को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कर दी हैं। मनोज तिवारी बिहार में होकर भी आज दिल्ली की सियासी घमासानों को लेकर उन्होंने चर्चा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले आप सुने। जो आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीट जीती थी, आज वो 4.5 साल में किस कदर पहुंच गई है के गर्त में, कि वो कांग्रेस जिसको एक भी सीट नहीं मिली थी उसके कदमों में लेटी हुई है और कांग्रेस उसको घास भी नहीं डाल रही है। बहरहाल एक चीज तो तय हो गया है कि 2013 में जो आम आदमी पार्टी आई थी वो कांग्रेस की ही बी टीम थी। आज दोनों की बातचीत से ये तो स्पष्ट हो गया, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल दोनों मिले हुए हैं और दोनों ने मिलकर दिल्ली को धोखा दिया। दिल्ली की जो कांग्रेस है भले उससे अपरिचित होगी, नहीं उसको पता होगा, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल अपने पाप के कर्मों का फल भुगत रहे हैं। और आप विश्वास कीजिए 2019 में तो उनको कुछ है ही नहीं, 2020 भी दिल्ली से उनकी विदाई है। सर अब न्याय होगा पर क्या कहना है कांग्रेस का है? अब न्याय होगा जब कांग्रेस ने ये तो मान लिया ना कि इतना दिन न्याय नहीं हुआ, तो जिसने 55 साल देश चलाया हो वो खुद ही कहता हो कि अब न्याय होगा, तो ऐसे अन्यायियों को चौराहों पे किस तरह से इनके साथ व्यवहार होना चाहिए ये मतदान के दिन जनता दिखाएगी। जया पर्दा पर आजम खान की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? आजम खान की टिप्पणी पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसका विरोध राहुल गांधी ने किया है, क्या उसका विरोध मायावती बहन ने किया है, क्या उसका विरोध अखिलेश यादव ने किया है? आजम खान तो भारत माता को ही डाइन बोलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर उनको सजा नहीं मिलती आजम खान को, तो फिर अखिलेश यादव, बहन मायावती, इन लोगों का बयान माना जाना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना। तो जैसा कि आपने सुना, मनोज तिवारी जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और वो आज बिहार के मोतिहारी पहुंचे, वहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जमकर निशाना साधा है। बहरहाल देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए अब लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।